तेरा दुनिया में बड़ा सबसे सुंदर रिश्ता तेरा मेरा, दुनिया में बड़ा सबसे सुंदर रिश्ता तेरा मेरा, माता बेटा कहलाने का, माता बेटा कहलाने का अधिकार बना लेना, अंतिम श्वासों में मुझको नवधार सुना देना, कर्ज चुका लेना, मेहनत मजदूरी करके मैं तुझको पढ़वाती थी। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं याद करना आपके माता पिता के कितने उपकार हैं यहाँ पर। मेहनत मजदूरी करके मैं तुझको पढ़वाती थी, सुंदर सुंदर कपड़े लाकर तुझको पहनाती थी, सुंदर सुंदर कपड़े लाकर तुझको पहनाती थी। तो माँ ने मुझसे क्या कहा, छोटा सा कफन अर्थी पे मेरे बेटा तू ओढ़ा देना, छोटा सा कफन अर्थी पे मेरे बेटा तू ओढ़ा देना, बेटा तू है अपनी माता दुनिया को बता देना, माता कर्ज चुका लेना, बेटा ने कहा था बेटा अपना कर्ज चुका लेना, अंतिम श्वासों में तू मुझको नवकार सुना देना, माता कर्ज चुका लेना, और अंगुली पकड़ा करके तुझको चलना सिखलाती थी। क्या किया माँ ने हमारे लिए, अंगुली पकड़ा करके तुझको चलना सिखलाती थी, गोदी में उठा करके तुझको मंदिर ले जाती थी, गोदी में उठा करके तुझको मंदिर ले जाती थी। और सब जितनी माँ बैठी है सबकी एक भावना है, अंतिम सांसों से पहले तुम तीरथ करवा देना, अंतिम सांसों से पहले तुम तीरथ करवा देना, तू बेटा है अपनी माता दुनिया को बता देना, माता कर्ज चुका देना, कहा था बेटा कर्ज चुका देना, अंतिम श्वासों में तू मुझको नवकार सुना देना, माता कर्ज चुका देना। और कभी जब बीमार पड़ जाता है बेटा तब बेटे से ज्यादा कहीं तो माँ को होता है, तब माँ ने कहा, पढ़ता था कभी बीमार मैं तेरी दवा कराती थी, पढ़ता था कभी बीमार मैं तेरी दवा कराती थी, मंदिर मंदिर जाके प्रभु से मैं दुआ मंगाती थी, मंदिर मंदिर जाके प्रभु से मैं दुआ मंगाती थी। क्या दुआ मंगाई, मेरी ये बची जिंदगानी, मेरी ये बची जिंदगानी प्रभु बेटे पे लगा देना, मेरी ये बची जिंदगानी प्रभु बेटे पे लगा देना, बेटा तू है अपनी माता दुनिया को बता देना, माता कर्ज चुका देना। और लगती थी अगर कहीं चोट तुझे दिल मेरा रोता था, लगती थी अगर कहीं चोट तुझे दिल मेरा रोता था, विश्राम तभी करती थी मैं जब लाल तू सोता था, विश्राम तभी करती थी मैं जब लाल तू सोता था। और आज के जो बेटे हैं बुढ़ापा आते ही वृद्धाश्रम भेज देते हैं। पहला एक जमाना हुआ करता था जब आप छोटे हो गए, जितने लोग आज बड़े हो गए हैं, तब आपने अपने पिताजी से अपने माताजी से पूछा होगा कि ये दाल में जो बैठा है वो क्या है, उन्होंने आपको कई बार बताया होगा कि ये जो दाल में बैठा वो कौवा है। एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, चार बार पूछा, लेकिन उन्होंने कभी आप पर गुस्सा नहीं किया। लेकिन आज की जनरेशन में क्या होता है, एक बार से दूसरी बार यदि पिताजी पूछ लेते हैं तो बेटा कहता कि आपको समझ में नहीं आता, क्या आपको समझ में नहीं आता। मतलब जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, जिन्होंने हमें चलना सिखाया,
आज हम उसकी इज्जत करना भूल गए। तो क्या कहा माँ ने? कहा हो जाए अगर पीड़ा उनको नजरे न चुरा लेना, हो जाए अगर पीड़ा मुझको नजरे न चुरा लेना, बेटा तो है अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना। और माँ को अपना बेटा सबसे प्यारा लगता है। एक साइड है पन्ना माणिक मोती रख दिए जाए और एक साइड उसका लाल रख दिया जाए। मैं माताओं से पूछना चाहता हूँ, आपको हीरा अच्छा लगता है कि आपको अपना बेटा अच्छा लगता है? बेटा अच्छा लगता है, बेटा हीरा से कम नहीं होता है। कितना भी परेशान करने वाला हो लेकिन अपनी माँ माँ अपने बेटे को हीरे से कम नहीं देखती। दुनिया के रतन सारे पी के बेटा तू है अनमोल, मन हर्षित मेरा हो जाता जब सुनती तेरे बोल, मन हर्षित मेरा हो जाता सुनती जब तेरे बोल। और अपनी प्रिय वाणी से मुझको प्रभु नाम सुना देना, अपनी प्रभु वाणी से मुझको प्रभु नाम सुना देना, बेटा तो है अपनी माता दुनिया को बता देना, माता कर्ज चुका लेना। सबके भाव खुल जाए, बेटी बेटी दादी भी आपके भाव है कि बेटा हमारा ऐसा हो। वो मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना कर्ज चुका लेना, मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना कर्ज चुका लेना, अंतिम सौ में तू मुझको नमस्कार सुना देना, अपना कर्ज चुका लेना।